ये आवाज तो नल से आ रही है। हाय अल्लाह, असली मिसबा कहीं टैंक में तो नहीं है? हाँ मिसबा, अपने हाथ धो, हाथ धो देना। वो करने के बाद प्लीज यहाँ पे शाद, अच्छे शाद, से शाद, शाद, मुझे लगता है सबसे पहले टेरेस पे छिड़काव करो। अरे जन्नत, पहले घर में तो करने दो। शाद, सबसे ना मच्छर कहाँ होते हैं? गार्डन में। तो इनसे कहिए कि सबसे पहले लॉन में करें, उसके बाद अंदर हम करवाते रहेंगे। शाद वो बहुत बड़ा एरिया, प्लीज वहाँ से स्टार्ट करवाइए। जनाब हम प्लीज पहले गार्डन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है? प्लीज पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। यहाँ पे हर जगह पे मैं खुशी है। आप वहाँ पे जाइएगा, आप वहाँ पे हर जगह झाड़पान ज्यादा है वहाँ पे किसी का। और आप मेरे को चाहिए कि आप ऊपर जाइए, लेकिन पहले आप यहाँ पे आइए, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे मच्छर, वहाँ वहाँ ऊपर टेरेस पे तो जाना ही है। जन्नत, जन्नत ऊपर टैंक के पास क्या कर रहे? प्लीज नीचे आइए। शायद आप एक बार आके देखिए ना, मुझे लग रहा है इसमें मच्छर है। हाँ आप एक बार आके देख तो लीजिए। नीचे आइए। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन मैं टैबलेट डलवा देता हूँ। पक्का कुछ नहीं है? आई थिंक इट्स फाइन। एक मिनट, लेकिन पहले की रिपोर्ट कंसीडर नहीं की जाएगी। मतलब आपको इसी वक्त एक होम प्रेगनेंसी टेस्ट देना होगा। जी वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप लोग बाद में आ जाइए, ये हम बाद में कर लेंगे। नहीं बाद में क्यों, अब सब लोग यहाँ आ ही गए हैं तो
काम खत्म करते हैं। यू नो मैं चाहता हूं कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। क्यों? हाँ ये तो बहुत ही सिंपल है। और वैसे भी नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। नर्स प्लीज। ये मेरी शह और मात, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नई सनम नाजिया, नाजिया किधर? ये लड़की मुझे धोखा कैसे दे सकती है? रिजल्ट क्या है? माफ कीजिए, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? इसमें घबराने वाली कौन सी बात? प्रेगनेंसी टेस्ट पहले भी किया है ना, डोंट गेट नर्वस, इट्स ओके। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। कोई घर का होता तो नाजिया, नाजिया कहाँ है? नाजिया पता नहीं, नाजिया दिखाई नहीं दे रही। तुम एक काम करो, खाला को ले जाओ। खाला? खाला को उनके सामने मैं, आप समझ रहे ना, मैं समझ सकता हूँ। खाला आप प्लीज जाइए, इनके साथ जाइए, जाइए जल्दी, लोग वेट कर रहे हैं। नाजिया भाग गई? कैसे भाग गई? कहाँ भाग गई? अब हम क्या करेंगे? या अल्लाह मेरा क्या होगा? आपको अपनी पड़ी, मेरा जरा भी ख्याल नहीं। बिल्कुल नहीं है, ख्याल है, है ना? बहुत ख्याल है। और जब जब ख्याल करती हूँ तब तब ख्याल आता है। देखो शिकारी अपना वो बिछाता है, हाँ जो बाल की तरह सुनाई देता है, वो क्या है? वो खाल, जाल। शिकारी अपना जाल बिछाता है और जब जब शिकारी अपना जाल बिछाता है तब तब सबसे पहले वो खुद अपने जाल में फंस जाता है। अब तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। अरे तुम खुद अपने जाल में फंसी हो, फंसती जा रही हो। और आहिर, अरे मेरा क्या होगा? अरे तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिखा। चुप रहो और मुझे सोचने दो। इतनी देर हो गई, बेगम साहिबा अब तक नहीं आई। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए इतना टाइम लगेगा तो पुलिस क्राइम कब सॉल्व करेगी? जनाब जरा जल्दी कीजिए, मुझे नमाज के लिए जाना है, देर हो रही है। बस थोड़ी देर और, वो बस आती होंगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारा काम आज ही खत्म हो जाए। खामोश क्यों खड़े? इन्हें जवाब दीजिए ना। ये ऑफिसर आपको कुछ भी कहे जा रहा है। और आप शायद देखिए, अगर मुझे कुछ याद नहीं है तो कम से कम आप मुझे बताइए। प्लीज यकीन कीजिए मुझ पे, मैं बात करूंगा, आप बस फिक्र ना करें। हिंदुस्तानी घुसपैठिए को अपने घर पे पनाह देने के बाद क्या बात करना चाहते हैं आप हमसे? ये बात अब तक साबित हुई नहीं है। बेवकूफ नहीं हूँ मैं, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लहजे मुझे समझ में आता है। जनाब आप तो पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं ना, आज तक यही पकड़ नहीं पाए आप? इस मुल्क के होकर गैर मुल्क वालों को पनाह देते हैं आप ऐसे अपने घर में? शायद क्या ठीक कह रहे हैं, मैं हिंदुस्तानी हूँ। जन्नत आपने तो मुझे कभी नहीं बताया। शायद मैं आपसे कितनी बार पूछती रही कि मुझे मेरे बारे में सारी सच्चाई बताइए। आपके जो भी सवाल है उसके सारे जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त नहीं, मेरा भरोसा, मेरा यकीन कीजिए। जन्नत प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, जो भी सवाल है आपके, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये एक हिंदुस्तानी औरत है।
अब आप या तो इनके पेपर्स हमें दिखाइए, ये प्रूफ कीजिए कि कानूनी तौर पे यहाँ रह रही है, नहीं तो हम इन्हें अरेस्ट कर लेंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।